गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम इन बायोलॉजी लेक्चर। और बच्चों, जैसे कि आपको पता है, जो आज जो अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इससे पहले अपन ने पाचन तंत्र, मानव का पाचन तंत्र के बारे में अध्ययन किया है और उसके सारे के सारे टॉपिक डिस्कस किए थे। उसमें एक जो लास्ट टॉपिक अपना रह गया था वो था कुपोषण जो और थे, और जो रोग थे पाचन तंत्र संबंधी वो थे। तो आपको पता होगा कि जो अभी जो आपका RBC 12th का जो नया सिलेबस है उसके अंदर उस टॉपिक को हटा दिया गया, तो अच्छा रहा अपने वो डिस्कशन नहीं किया। और आज जो नया टॉपिक इसमें स्टार्ट कर लेते हैं। आज का जो नया टॉपिक स्टार्ट करें, उससे पहले मैं आपको बता दूँ, जो अपने टॉपिक डिस्कस किए थे बच्चों, उनमें से एक है जो चैप्टर एक जो चैप्टर है उसको छोड़कर सारे के सारे जो टॉपिक है वो अपने बोर्ड के एग्जाम में है, ठीक है। और जितने भी अपने जो अध्ययन किए हैं वो सारे के सारे पॉइंट है, वो जो अपने जो टॉपिक किए थे, मैंने कहा था वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो उसके हटने के चांस बहुत ही कम है, तो वो हटी नहीं है। उसमें कुछ टॉपिक है वो हटे हैं, और बाकी जो ज़्यादातर जो अपने पढ़े हैं वो बेस कीमती टॉपिक पढ़े हैं, इसलिए अपने को ज़्यादा समय भी नहीं खराब हुआ है। और जो बोर्ड के द्वारा जो निर्धारित जो अब सिलेबस है उसके अंदर वो टॉपिक एज है जैसे थे वैसे ही है, तो इसलिए अपने को फायदा होगा कि जो अपने टॉपिक पढ़े हैं वो अपने सिलेबस में है, ठीक है। तो इसका अपन को ये बेनिफिट मिल गया। और कुछ जो टॉपिक हटे वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वो डिस्कशन तो अपने करना ही था, क्योंकि नीट में तो कभी हटेंगे नहीं, नीट में तो आते ही हैं, तो इसलिए महत्वपूर्ण टॉपिक है वो डिस्कस कर लिया। और जैसे अभी जब भी अपन को अब जो मौका मिलेगा, उम्मीद करते हैं जल्दी अपना ऑफलाइन चालू करते हैं, तो ऑफलाइन चालू करेंगे तो आपका जैसे ये जो हिसाब से उसी जो अपने जो लगन है उसी लगन से उसी अपना जो प्रोत्साहन है उसी प्रोत्साहन के साथ में अपन सब मेहनत करेंगे, ताकि अपना जो जो समय खराब हुआ वो अपन उसका फायदा उठा सके। तो बच्चों, अभी तक जो अपने प्लांट फिजियोलॉजी की एक जो प्लांट फिजियोलॉजी पादप का एक प्रथम यूनिट की थी, उसके जो लगभग सारे के सारे टॉपिक हैं जो अपन डिस्कस किए हैं, उसके बाद जो अभी मानव कार्य की जो स्टार्ट किया था उसके अंदर अपना पाचन तंत्र और अध्ययन तंत्र पढ़ा था। अध्ययन तंत्र हटा दिया गया हालांकि, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अपने छोटा टॉपिक था, अध्ययन तो अपने कर लिया उसका। पाचन तंत्र के जितने भी अपने टॉपिक डिस्कस किए हैं वो पाचन तंत्र टॉपिक है, जो नहीं डिस्कस किया था वो हटाया है, ठीक है। अब भी जो आज जो अपन जो नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं अपना अध्याय नंबर 23 है आपके, और 23 नंबर और मानव का जो श्वसन तंत्र है उसके बारे में अध्ययन करेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन के बारे में अध्ययन करते हैं, मानव का जो श्वसन तंत्र उसके बारे में आज के टॉपिक में अध्ययन करेंगे। ये एज जैसे कि सिलेबस में था वैसे के वैसे ही पूरा छोटा टॉपिक है, इसलिए पूरा का पूरा ही है जो ये आपके सिलेबस में है, ठीक है। तो इसको अपन डिस्कस करेंगे अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और हो सके जब तक अपन करें तब तक अपन ऑफलाइन मिल ले आगे जब भी हो। तो आज जो अपन टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं इसका जो सबसे पहले परिचय की बात करते हैं, इसका जो सामान्य इंट्रोडक्शन बात करेंगे इसमें, ठीक है, परिचय की बात करेंगे, इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, इसमें क्या होता है श्वसन तंत्र की। तो श्वसन क्या प्रक्रिया है और श्वसन की क्या आवश्यकता होती है, क्यों आवश्यकता होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए बच्चों की होता क्या है एक्चुअली में। कि अपन बात करते हैं जैसे सजीवों के शरीर में होने और समस्त जैविक क्रियाओं संचालित ऊर्जा की आवश्यकता, जैसे मैं बोल रहा हूँ आप वीडियो देख रहे हो सुन रहे हो, ठीक है। तो ये जो जितनी भी जो प्रक्रिया होती है, जितनी भी अपने शरीर के अंदर समस्त जैविक प्रक्रिया होती है, ठीक है, समस्त जैविक प्रक्रिया होती है, समस्त जैविक प्रक्रिया की बात करें अपन, ठीक है, समस्त जैविक प्रक्रियाओं की बात करें, क्रियाओं की बात करें, ठीक है, जैविक क्रियाओं की के संचालन की बात करते हैं, तो उसके लिए क्या आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है। हालांकि अपन रात को सो रहे होते हैं, बिल्कुल रेस्ट कर रहे होते हैं, विश्राम अवस्था में होते हैं, फिर भी अपने जो वाइटल्स ऑर्गन्स होते हैं, श्वसन चलता है, हार्ट चलता है, मस्तिष्क चलता है, ठीक है, सर्कुलेशन होता है, तो सारे के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये नहीं कि अपन सो गए ऊर्जा की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, तो विश्राम अवस्था में भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ये मतलब क्या होती है, शरीर की समस्त जैविक क्रियाओं के संचालन के लिए होती है ऊर्जा की आवश्यकता होती है, समस्त जैविक क्रियाओं के संचालन के लिए बच्चों किसकी आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है समस्त, ठीक है। अपन बात करें सजीवों की, वो सभी सजीवों में,
चाहे एरोबिक हो चाहे एनारोबिक हो, चाहे ऑक्सीजन करने वाले हो चाहे अनऑक्सीजन करने वाले, उनके अंदर जो जितने भी जो सजीव है उसके अंदर किसी न किसी प्रकार की जो क्रिया होती है, वो क्रिया होती है। क्रियाओं के लिए क्या होती है बच्चों, उसके क्रियाओं के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ये ऊर्जा कहाँ से आती है, किस प्रकार से मिलती है, इसके बारे में ही अपन इस चैप्टर में अध्ययन करेंगे। ठीक है, इसके चैप्टर में अपन जो यही अध्ययन करेंगे क्या क्या होती है। तो मैं आपके बुक्स की लैंग्वेज को भी बताऊंगा सारी सारी क्या होगा। तो उत्समा से क्रियाओं के संचार ऊर्जा की आवश्यकता, और ये ऊर्जा जो होती है कहाँ से मिलती है बच्चों, ये जो ऊर्जा होती है, ठीक है, ये जो ऊर्जा होती है वो कहाँ से मिलती है, जो खाद्य पदार्थ होते हैं, खाद्य पदार्थ जैसे अपन ने अवशोषण कराया है उनका, खाद्य पदार्थों का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। अभी बताऊंगा ऑक्सीकरण से क्या मिलता है, खाद्य पदार्थ ऑक्सीकरण से ही क्या ऊर्जा मिलती है, उससे क्या होती है, समस्त जो क्रियाएं होती है उनका समापन होता है। ठीक है, ये ऊर्जा कहाँ से मिलती है, आपको ये क्लियर हो गया होगा बच्चों कि समस्त अपन बात करते हैं तो समस्त जैविक क्रियाओं के लिए संचार ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये जो ऊर्जा होती है जो अपन खाद्य पदार्थ का जो अवशोषण करता है, आपको याद होगा कि अपने पाचन तंत्र पढ़ाया, पाचन तंत्र के अंदर पाचन हुआ भोजित का पचित भोजन जो अवशोषित होता है, अवशोषित पचित भोजन के अंदर क्या होता है, ग्लूकोज होता है, अमीनो एसिड्स होते हैं, ठीक है, फैटी एसिड और वसा होती है, यही क्या होते हैं खाद्य पदार्थ जो रुधिर के अंदर होते हैं। और जब इनका कोशिका में जाके जो स्वांगीकरण अपने वर्ड पढ़ा था तो वहां पर स्वांगीकरण होता है, स्वांगीकरण जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो ऊर्जा ही क्या होती है, ये ऊर्जा होती है जो समस्त क्रियाओं के संचालन के लिए आवश्यक होती है। क्लियर, छोटी सी बात है, ठीक है, इस प्रकार से समझ जैविक क्रियाओं के संचालन में इस प्रकार की ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, और ये ऊर्जा किसके होती है, खाद्य पदार्थों के ऑक्सीकरण से मिलती है, ये ऊर्जा मिलती है, ऊर्जा क्या करती है, इन्हें समझ जैविक क्रियाओं का संचालन करती है। अब क्या होता है कि ये जो खाद्य पदार्थ है जीवित कोशिका में होता है, आपको बताइए जीवित कोशिका में खाद्य पदार्थ है, ठीक है, जीवित कोशिका में खाद्य पदार्थ है, उसका ऑक्सीकरण होता है, आगे रिएक्शन में बताऊंगा उसका, इसका क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा, और ऑक्सीकरण के फलस्वरूप क्या बनता है बच्चों, जल बनता है, जैसे एकदम CO2 बनती है, प्लस H2O बनता है, प्लस ऊर्जा निकलती है, और ये जो ऊर्जा होती है ये वही ऊर्जा है। ठीक है, जिस जीवित कोशिका ये खाद्य पदार्थ कहाँ होंगे, जैसे मैंने क्या कहा था स्वांगीकरण प्रक्रिया कहाँ होती है, स्वांगीकरण प्रक्रिया कहाँ होती है, कोशिका के अंदर होती है, स्वांगीकरण मतलब जो रुधिर के अंदर जो अवशोषित खाद्य पदार्थ है कोशिका में पहुंचते हैं, कोशिका में जाके फिर एसिमिलेशन होता है, स्वांगीकरण होता है, स्वांगीकरण से क्या होता है ऊर्जा ऐसे निकलती है, ऑक्सीकरण मतलब उनका खाद्य पदार्थ ऑक्सीकरण स्वांगीकरण कहलाता है, और खाद्य पदार्थ में ऑक्सीकरण होगा, ऑक्सीकरण से किसमें टूटेंगे, खाद्य पदार्थ होगा जब ये ग्लूकोज की बात है CO2 H2O में टूटता है और ऊर्जा प्राप्त होती है, ये ऊर्जा जो होती है ये ऊर्जा जो समस्त कार्यों के संचालन की आवश्यक होती है। और ये जो ऊर्जा है बच्चों, ठीक है, ये ऊर्जा निकलती है किस रूप में निकलती है, एटीपी के रूप में निकलती है। ठीक है, ये बच्चों ऊर्जा किस रूप में, एटीपी के रूप में निकलती है, वो संचित होती है किसके रूप में, होती है एटीपी के रूप में होती है, और जब इसकी आवश्यकता होती है तो एटीपी प्लस आईपी के अंदर टूट जाती है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के रूप में टूट जाती है, और ये कार्य का समापन करवाती है। ठीक है, ये कार्य का समापन करवाती है इस प्रकार से। ठीक है, तो ये जो है जल होता है, जल अपने शरीर के अंदर काम आ जाता है, और CO2 होती है ये जो श्वसन की क्रिया के अंदर बात करते हैं तो बाहर निकल जाती है ना, कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो शरीर से बाहर निकाल दी जाती है, एटीपी ये ऊर्जा होती है एटीपी के रूप में, अपन पहले इसके बाद डिस्कस करेंगे, ये ऊर्जा होती है एटीपी के रूप में संरक्षित होती है, किस रूप में संरक्षित होती है, एटीपी के रूप में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में, मतलब ट्राइफॉस्फेट बॉन्ड उसके रूप में संरक्षित होती है। जब भी अपन किसी कार्य की आवश्यकता होती है, क्रियाकलाप की आवश्यकता होती है, ये ऊर्जा एटीपी का जो बॉन्ड होता है ट्राइफॉस्फेट टूटता है, एडीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट टूटता है, ये ऊर्जा उस कार्य के समापन में काम आ जाती है, मतलब ये टूटता है बॉन्ड तो वापस काम आती है, और ये ऊर्जा होती है एटीपी के रूप में होती है वो संचित रहती है। तो यहाँ पर मेरे कहने का मतलब ये इंट्रोडक्शन परिचय की बात करते हैं, हम सब जो समस्त जैविक क्रियाएं उनके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ऊर्जा क्या होती है खाद्य पदार्थ से मिलती है, और ऊर्जा क्या होती है खाद्य जो जीवित कोशिका है उनके अंदर खाद्य पदार्थ पाए जाते हैं, उनका ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण से क्या बनता है CO2 बनता है H2O बनता है और ऊर्जा बनती है, ऊर्जा तो एटीपी के रूप में संचित हो जाती है और वो टूट के जब एटीपी प्लस आईपी के टूटते हैं तो वो कार्य के समापन ऊर्जा जो होती है वो मिल जाती है अपन को, और CO2 होती है वो श्वसन क्रिया के द्वारा, इसमें बताया नहीं है लेकिन श्वसन क्रिया के द्वारा बाहर निकाल दी जाती है, अपन CO2 निकालते हैं
CO2 सौ सन क्रिया के द्वारा बाहर निकाल दी जाती। अब नेक्स्ट जो अपने बात बता रहा है कि श्वसन के प्रकार की बात बता रहा है, ठीक है, श्वसन के प्रकार क्या होते हैं। देखो श्वसन के प्रकार की बात करते हैं, श्वसन के प्रकार श्वसन के प्रकार ओके। श्वसन के प्रकार से मतलब टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, श्वसन कितने प्रकार का होता है। टाइप ऑफ रेस्पिरेशन देखो श्वसन के प्रकार की बात करते हैं, तो श्वसन जैसे बात करें श्वसन मुख्य रूप से यहाँ पर जब मुख्य बात है श्वसन दो प्रकार का होता है, बाह्य श्वसन और आंतरिक श्वसन, ठीक है, बाह्य श्वसन और आंतरिक श्वसन कोशिकीय श्वसन। बाह्य श्वसन और आंतरिक श्वसन, आंतरिक श्वसन को कोशिकीय श्वसन भी बोलते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं, बताओ मैं कैसे, श्वसन कोशिकीय श्वसन, ठीक है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन एंड इंटरनल रेस्पिरेशन और सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है, दो प्रकार का श्वसन होता है। अभी बुक के हिसाब से बात करें तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और इंटरनल और सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, ओके, दूसरा है इंटरनल रेस्पिरेशन और सेलुलर, इंटरनल और सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है, ये दो प्रकार के श्वसन क्या क्या होता है। देखो पहले तो आप देखो बाह्य श्वसन और आंतरिक श्वसन, तो बाह्य श्वसन की बात करते हैं बाह्य श्वसन से मतलब क्या है बच्चों, बाह्य श्वसन से क्या मतलब है, तो बच्चों बाह्य श्वसन की बात करें तो बाह्य श्वसन क्या होता है, बाह्य श्वसन से पहले डिस्कस करते हैं, बाह्य श्वसन एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, बाह्य श्वसन का मतलब है प्राणी का कोशिका द्वारा पर्यावरण में ऑक्सीजन अंदर ग्रहण करना, CO2 बाहर निकालने संबंधित जो क्रिया है उसको कहते हैं, ठीक है, अपन को पता है कि अपन क्या करते हैं रेस्पिरेशन के थ्रू इनहेल करते हैं, क्या लेते हैं O2 लेते हैं, ठीक है, O2 जाती है कहाँ पे जाती है बच्चों, लंग्स में जाती है, ठीक है, O2 कहाँ पे जाती है लंग्स में, वातावरण से क्या करते हैं अपन, वातावरण से क्या लेते हैं O2 लेते हैं और यहां पर जाके क्या होता है कि जो कैपिलरीज होती है, कैपिलरीज होती है, ठीक है, उनके बीच में एल्वियोली के बीच में क्या होता है कि ये जो सेल्स है, ठीक है, जो अपन बात करते हैं ब्लड के अंदर चली जाती है, ये जो ऑक्सीजन होती है कहां पे चली जाती है, ब्लड के अंदर चली जाती है, ब्लड सर्कुलेशन मान लो ब्लड सर्कुलेशन, और ब्लड सर्कुलेशन कहां पे होता है सेल्स में जाता है, तो सेल्स क्या करती है बच्चों CO2 छोड़ती है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीकरण होगा तो सेल्स क्या करेगी CO2 को छोड़ेगी ब्लड के अंदर और O2 ले लेते हैं, ठीक है, तो इस प्रकार से कोशिका के बीच में, ठीक है, तो बच्चों इसमें बाह्य श्वसन में बात करें तो इसमें क्या होता है, जो प्राणी कोशिका होती है जैसे मैंने डायग्राम से बताया था प्राणी कोशिका, ठीक है, और वातावरण के मध्य O2 और CO2 का जो एक्सचेंज होता है, O2 CO2 का एक्सचेंज कैसे होता है, लंग्स में जाती है, मैं बता रहा हूँ वहां पर क्या होती है, लंग्स की जो एल्वियोली होती है इस प्रकार से होती है, और ये जो ब्लड इसका सर्कुलेशन होता है, तो यहाँ पर एल्वियोली से जो कुपिका होती है उससे क्या होती है CO2 तो अंदर प्रवेश कर जाती है रक्त के अंदर, और यहाँ से
फिर CO2 होती है वो इस कुप्पिका के अंदर, कुप्पिका से CO2 तो बाहर जो अपन जब श्वसन क्रिया करते हैं उसमें बाहर निकल जाता है, और O2 जो होता है वो रक्त में चला जाता है। O2 भी रक्त से होते हुए कहां पे जो कोशिकाएं होती है, ठीक है, कोशिकाएं होती है वहां पे जाता है, ऑक्सीजन जाता है, ऑक्सीजन कोशिका ले लेती है क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है ग्लूकोज को तोड़ने के लिए। और यहाँ से ऑक्सीजन, आपको पता है ऑक्सीजन की प्रक्रिया होती है किसी खाद्य पदार्थ के ऊपर, ऑक्सीजन की प्रक्रिया से CO2 रिलीज होता है, CO2 क्या होता है रक्त के अंदर छोड़ दिया जाता है ये CO2। तो CO2 इस प्रकार से रक्त के साथ में आगे वापस कुप्पिका में चला जाता है, ऑक्सीजन वापस इस प्रकार से जो कोशिका में जाता है। तो कोशिका के मतलब O2 और जो पर्यावरण से जो O2 आता है, जो कोशिका CO2 रिलीज के मतलब मतलब क्या होता है, O2 और CO2 का आदान प्रदान होता है कोशिका के द्वारा, ठीक है। इसमें क्या होता है कि अपन पर्यावरण कोशिका के मध्य O2 और CO2 का विनिमय होता है, एक्सचेंज होता है, या आदान प्रदान होता है, ठीक है। तो इस प्रकार की क्रिया के ऊपर क्या कहते हैं, वायु श्वसन होते हैं, इसको सांस लेना भी बोलते हैं, इस पर क्या क्या बोलते हैं, सांस लेना भी बोलते हैं, ठीक है। ब्रीथिंग बोलते हैं इस प्रक्रिया को, क्या बोलते हैं, सांस लेना बोलते हैं, ब्रीथिंग बोलते हैं। और ये एक क्या है, भौतिक प्रक्रिया, ये क्या है, भौतिक प्रक्रिया, ये भौतिक प्रक्रिया, ये क्या है, भौतिक प्रक्रिया, ये क्या है बच्चों, ये भौतिक प्रक्रिया, फिजिकल प्रोसेस है। फिजिकल प्रोसेस क्यों होती है, क्यों श्वास लेते हैं अंदर गया, जिसमें डायफ्राम का मैकेनिकल रोल होता है, भौतिक रोल होता है, डायफ्राम फूलना सिकुड़ना और मसल्स के द्वारा दाब लगना, तो ये एक भौतिक प्रक्रिया, इसलिए अपन क्या कहते हैं, ये जो प्रक्रिया होती है क्या होती है, भौतिक प्रक्रिया होती है, ठीक है। अब दूसरा आता है आंतरिक या कोशिकीय श्वसन, दूसरा जो श्वसन होता है वो होता है आपके कोशिकीय श्वसन, ये आंतरिक श्वसन, आंतरिक श्वसन, कोशिकीय श्वसन, सेलुलर रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है, कोशिकीय श्वसन और सेलुलर रेस्पिरेशन या इंटरनल रेस्पिरेशन बोलते हैं इसको। तो इसके अंदर क्या होता है बच्चों, जो कोशिका होती है, जैसे मैंने बताया था कोशिका होती है ब्लड सर्कुलेशन से क्या करती है, ऑक्सीजन लेती है, और इसके द्वारा इस ऑक्सीजन से क्या करती है बच्चों, ये इसके अंदर खाद्य पदार्थ का, जो खाद्य पदार्थ है, एक बार इसे लिखूंगा कि रिएक्शन अभी मैं आपको बाद में बताने वाला हूं, खाद्य पदार्थ है वो टूटता है CO2+H2O के अंदर प्लस ऊर्जा के अंदर, इसका उपयोग करके CO2 बाहर निकल जाती है, ऊर्जा जो होती है कार्य कराने में काम आती है ऊर्जा ATP के रूप में, ठीक है, ऊर्जा जो होती है किसमें, ATP के रूप में होती है ना। इस प्रकार से जो श्वसन होता है, मतलब सेल के अंदर जो श्वसन, आंतरिक श्वसन या सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं, इसके अंदर खाद्य पदार्थ जो होता है उसका क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, ठीक है। ये ऑक्सीकरण देखो, ये ऑक्सीकरण है क्योंकि यहाँ पे O2 की प्रेजेंस में होता है, ये ना देखो ऑक्सीकरण, खाद्य पदार्थ टूटा, इसमें CO2 टूटा है, CO2 बाहर चली गई ब्लड के अंदर, ब्लड के थ्रू फिर लंग्स में जाती है, श्वसन जो फेफड़े थे कुप्पिका में थे, कुप्पिका से बाहर निकाल दी जाती है, ठीक है। और ये H2 होता है शरीर अंदर का, ऊर्जा बनी है, देखो ऊर्जा ATP के रूप में संचित हो जाती है और कार्य को संपन्न करवाती है। इस प्रकार का जो श्वसन होता है, तो इस प्रकार का जो श्वसन होता है उसको क्या बोलते हैं, अपने आंतरिक श्वसन बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात, अब मैं आपको रिएक्शन बताऊंगा कि आंतरिक जो श्वसन होता है दो प्रकार का होता है, आंतरिक श्वसन जो होता है बच्चों कितने प्रकार का, तो दो प्रकार का होता है आंतरिक श्वसन जो होता है वो कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है आंतरिक श्वसन, एक होता है ऑक्सी श्वसन, ऑक्सी श्वसन इसको बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। दूसरा होता है एनारोबिक एनोक्सी श्वसन, एनोक्सी श्वसन, एनारोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। ऑक्सी श्वसन और एनोक्सी श्वसन, ऑक्सी श्वसन क्या होता है देखो, ऑक्सी श्वसन का मतलब है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ठीक है, जितने भी सजीव होते हैं उनके अंदर लगभग अपन बात करते हैं ऑक्सी श्वसन ही होता है
है ना, पेड़ पौधे हो चाहे जीव हो, उनके अंदर अनोक श्वसन होता है जो मोस्टली बैक्टीरिया वगैरह जो होते हैं जीवाणु वगैरह उनके अंदर होता है, ठीक है, जो फर्मेंटेशन करने वाले जीवाणु तो उनके अंदर होता है किण्वन के द्वारा। तो ऑक्सी श्वसन की बात करें पहले, एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन सबसे पहली कंडीशन होता है O2 की प्रेजेंस में होता है, O2 की उपस्थिति में होती है क्रिया, ठीक है, इसके लिए O2 होती है आवश्यक होता है, O2 की उपस्थिति में होती है। फिर क्या होता है, इसके अंदर O2 की उपस्थिति में C6H12O6 बोले तो ग्लूकोज, C6H12O6 ये क्या ग्लूकोज, ये क्या होता है बच्चों, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टूटता है, आपके रिएक्शन नहीं लिखी हुई मैं बता रहा हूं, ठीक है, ये ऑक्सीजन उपस्थिति में होता है लिखा हुआ, तब इसे ऑक्सीशन कहते हैं, लेकिन ऑक्सीशन होता है क्या ये बता रहा हूं मैं, ठीक है। इसमें कोशिका के अंदर क्या होता है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, ये क्या है, ग्लूकोज, ग्लूकोज, ठीक है, ये ग्लूकोज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टूटता है, ठीक है, किसमें टूटता है, 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 686 किलो कैलोरी ऊर्जा, ठीक है, ये ऑक्सी श्वसन की अभिक्रिया है, ठीक है। इसमें देखो ये ऊर्जा प्राप्त होती है, इसमें अपन क्या कहना, ऑक्सी श्वसन कराने का ऊर्जा, और ये ऊर्जा क्या होती है, एटीपी, मतलब बोले तो 38 एटीपी के बराबर ये ऊर्जा प्राप्त होती है, इसको बोलते हैं 38 एटीपी बोल सकते हो, 38 एटीपी, इसमें ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब चक्कर चलते हैं, और ईटीएस के माध्यम से टोटल अपन जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो 38 एटीपी प्राप्त होती है, ठीक है। तो इन्हें चक्कर 38 एटीपी, ये है ऑक्सी श्वसन, इसमें क्या होता है ऑक्सीजन का रोल होता है, इसको तोड़ने में ऑक्सीडेशन जो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करने में इसमें रोल होता है, ठीक है। दूसरा जो आता है अपने अनोक्सी श्वसन आता है बच्चों, दूसरा जो अनोक्सी श्वसन है वो नाम से पता है, जैसे आपकी बुक में लिखा हुआ है केवल इतना ही लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको विधि बता रहा हूँ। तो इसमें अनोक्सी श्वसन में क्या होता है बच्चों कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है विक्रिया, ठीक है, ये जो विक्रिया होती है ऑक्सीजन अनुपस्थिति में, इसलिए अनोक्सी श्वसन बोलते हैं, लेकिन आप ये रिएक्शन भी चाहे ग्रेट नोट डाउन कर लेना, ठीक है। दूसरी बात करते हैं अनोक्सी श्वसन, अनोक्सी श्वसन के अंदर क्या हो जाएगा बच्चों, C6 ये ग्लूकोज टूटेगा, लेकिन यहां पे क्या होगा, ऑक्सीजन नहीं होगा, ठीक है, ऑक्सीजन नहीं होगा यहां पे, ठीक है, ऑक्सीजन नहीं होगा, किसमें टूटेगा, ये C2H5OH एथेनॉल जिसको बोलते हैं प्लस 2CO2 प्लस 56 किलो कैलोरी ऊर्जा, ठीक है, 2 ATP लगभग कितने ATP मिलते हैं, 2 ATP ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है, ये तो ऊर्जा भी बहुत कम प्राप्त होती है, ग्लूकोज टूटा लेकिन ऑक्सीजन अनुपस्थित टूटा, किस में टूटता है, एथेनॉल के अंदर टूटता है, ठीक है, एथेनॉल, और जो एथेनॉल बनते हैं किण्वन की क्रिया के अंदर, जो अपन शराब बनाते हैं तो वो किण्वन की क्रिया इसी प्रकार से होती है, ग्लूकोज से और C2CO2 और 56 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। तो अपन ऑक्सीजन श्वसन की बात करें तो ऑक्सीजन श्वसन की तुलना में ऊर्जा भी कम प्राप्त होती है इसमें, और जो कुछ होता है ये विषैला पदार्थ भी बनता है, ठीक है। तो ये अनोक्सी श्वसन की अभिक्रिया है, ऑक्सी श्वसन की अभिक्रिया है, ठीक है। ऑक्सी श्वसन के अंदर CO2 प्लस 2 प्लस 686 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है, लेकिन यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर कितने जो इसका ग्लूकोज का जो विघटन होता है तो इससे एथेनॉल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, और ऊर्जा भी कितनी होती है, 56 किलो कैलोरी और इक्वल टू 2 ATP के बराबर बनती है। तो बच्चों आज के जो अपन बात करिए टॉपिक अपन स्टार्ट के मानव का श्वसन इसका ये परिचय था। अब आगे अपन बात के मानव के श्वसन अंग उनके बारे में अध्ययन करेंगे, आज के लिए इतना बहुत है, आगे एक वीडियो के अंदर अपन जो बात करेंगे वो मानव के श्वसन अंग और ये टॉपिक है उसको भी अपने ध्यान से अच्छे से लाइन टू लाइन करें, या फिर सिलेबस वाइज ही पता है, लेकिन कुछ ये जो बिखरे हैं एक्स्ट्रा होते हैं या आप यहाँ नोट डाउन कर सकते हो, आपकी नोट्स बनाओ तो ये बिखरे जैसे मैंने बताई ऑक्सी श्वसन की बिखरे बताई नोक्सी श्वसन इनको आप ये नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है।